أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم एक और बलंतर सलावात कुरान हकीम के तीसरे सूरे सूरे मुबारक आल इमरान की 18वीं आयत मुसलसल आप हजरात के सामने तिलावत करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और जैसा कि अक्सर मैं अपनी बेबसी का इजहार करता हूँ वो फिर करूँगा कि यूँ तो मेरा ज़ौक़ ऐसा है कि अदबी मतून अदबी टेक्स्ट यानी नसर हो या नज़्म वो सामने रख कर कोशिश करता हूँ कि अल्फाज के छत्तों से मानी का शहद निकालने में कामयाब। लेकिन जब कुरान की कोई आयत सामने आ जाती है तो फिर कैफियत कुछ और होती है। खुदा की कसम लोग तर्जमे करते हैं और ज़रूरत भी है तालीमी लिहाज से तर्जमा करने की, लेकिन क़ुरान मजीद के अल्फाज में उसके तराकीब में उसकी इबारतों में जो मवाज समंदर मानी के होते हैं उनका इहाता करना नामुमकिन है। बस अगर किसी का ज़ौक़ बेदार हो जाए चश्मे कल्ब बेदार हो जाए तो वो देख सकता है और महजूज हो सकता है, लेकिन चूंकि कुरान मुअज्जज़ा है तो वो अपनी आजिज़ी का एतराफ़ कर सकता है, तर्जुमानी का हक अदा नहीं कर सकता। ये कुरान शर्त ये है कि कुरान मजीद को पढ़ने के जो आदाब हैं वो मलहूज रखे जाएं। यही आयत जो मुसलसल पढ़ रहा हूँ मुझे अंदाज़ा है कि निस्फ से ज़्यादा तो अशरा गुजर चुका और अब तीन मजलिसें बाकी, हक अदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ इस एक सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाएगा
कि शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह खुद गवाही देता है कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय उसके, तो किस किस तरह से गवाही देता है। मैंने दो एक नुकात अर्ज तो कर दी और मुतरजमीन और मुफसरीन ने जो कुछ लिखा है वो भी मुतालआ फरमा लीजिएगा। फिल जुमला तकरीबन यही बातें सब ने दोहराई हैं कि वो गवाही देता है इस तरह से कि उसने जो इस कायनात को खल्क किया है, ये खिलकत खुद गवाह है उसके माबूद बरहक होने पर। लेकिन यकीन फरमाइए कि इस इजमाली बयान से हक बयान अदा नहीं होता, और जो असरार हैं, जो रमूज हैं, जो मआरिफ हैं, जो मालिम हैं, जो तह दर तह मानी हैं, उनका इहाता नहीं हो पाता सिवाय इसके कि इंसान दस्ते दुआ बुलंद करे और कहे परवरदिगार अपनी तजल्लियों को देखने वाली आंखें अता कर दे। शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह खुद गवाह है और वो खुद गवाही देता है, उसने खुद गवाही दी है कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय उसके, इल्लाहु वल मलाइकतु, और उसके मलाइका गवाही देते हैं। अब ये यहाँ पर बहस है, मैं सिर्फ उन्वान जिक्र करके आगे बढ़ रहा हूँ कि अपने नाम के बाद फौरन मलाइका का तस्किरा क्यों आ गया। क्या वाकई ज़ात हक सुबहानहु व तआला के बाद अहम तरीन मखलूक मलाइका ही हैं, और फिर ये मलाइका की हकीकत क्या है, ये एक मुफस्सल बहस है। मैं उन्वान कायम कर रहा हूँ, ये मुफस्सल बहस है कि मलाइका की हकीकत क्या है, मलाइका की किस्में कितनी हैं, और क्या ये कि ज़ात हक के बाद बिला फसल तस्किरा मलाइका का किया जो गया है तो वो किस लिए किया गया है। और उसके बाद फिर जिक्र आता है वह उलुल इल्म क़ायमन बिलक़िस्त, और वो साहिबान इल्म, वो मालिकान इल्म, वो सरवरान किश्वर इल्म, वो भी गवाही देते हैं, और जितने भी गवाही देने वाले हैं ये सब गवाही देते हैं क़िस्त पर कायम रहते हुए। अब ये खुद लफ्ज़ क़िस्त जो है ये बहुत तफसील तलब है कि क़िस्त से मुराद क्या है। अमूमन तर्जमा कर दिया जाता है क़िस्त का आदल, मैं भी गुज़श्ता चंद रोज से यही तर्जमा कर रहा हूँ कि अदालत पर कायम रहते हुए, अदल पर कायम रहते हुए। अदल और क़िस्त में कोई एक हर्फ भी तो मुश्तरक नहीं है, ऐन दाल लाम अदल काफ सीन पा क़िस्त बिल्कुल रूट वर्ड मुख्तलिफ है, तो फिर क़िस्त का तर्जमा अदल कैसे हो सकता है। क्या ये वाकई मुतरादिफ है, मुरादिफ है, या कुछ तफावत है दोनों में। बहरहाल एक नुक्ता जिक्र करते हुए आगे बढ़ जाऊं, अदल तकरीबन उन मफाहीम में से है जो फितरी मफाहीम हैं, बदीही मफाहीम हैं, हर जहन में अदल का एक मफहूम मौजूद है। देखिए कुछ मफाहीम ऐसे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें तख़सीस नहीं है किसी गरोह की, हर इंसान के जहन में वो मफहूम पाया जाता है। कोई पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, कोई मुतमद्दिन हो, मुहज़्ज़ब हो, बलंतरीन तहज़ीब व सकाफ़त का हामिल हो या ना हो, तब भी उसके जहन में कुछ मफाहीम मुश्तरक हैं।
और इन मफाहीम का मुताला एक बड़ा दिलचस्प मुताला है कि तमाम जहनों तमाम इंसानों के जहनों में जो मफाहीम जो कॉन्सेप्ट्स मुश्तरक हैं जो हकायक मुश्तरक हैं वो क्या क्या हकायक हैं कितने हैं बहुत दिलचस्प ये एक मुफसल मुताले का उन्वान है। मैं मिसाल दे दूं, मसलन एक पहली मिसाल तो ये कि आदल आदल वो तसव्वुर है जो हर इंसान के जहन में मौजूद है चाहे वो खुद आदल करता हो या ना करता हो। हर इंसान के जहन में आदल का एक तसव्वुर मौजूद है और इसी तरह मुझे बेख्तियार याद आ गया, पहले भी एक शेर पढ़ चुका हूं, आज भी पढ़ दूं, मेरा नहीं है, हक का तसव्वुर ये भी हर जहन में इजमालन पाया जाता है। दुनिया में हर इंसान के जहन में एक हक का तसव्वुर भी पाया जाता है और इसी लफ्ज़ हक के ताल्लुक से लखनऊ के एक बहुत ही सआदतमंद और बुजुर्ग मर्तबा शायर ने यह शेर कहा था, जनाब सैयद अफसर नवाब या नवाब अफसर अफसर लखनवी अफसर उश्शुआरा उनका लक़ब पड़ गया था, अफसर तखल्लुस था। उन्होंने फरमाया है कि हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक, हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। सिर्फ अकीदत की बिना पर नहीं, तफक्कुर की बिना पे कह रहा हूँ, गहरे और तवील तफक्कुर की बिना पर ये गैर मामूली शेर है, गैर मामूली शेर है, शेरियत के एतबार से और फलसफे के एतबार से। फलसफियाना शायरी का अगर नमूना मुझसे कोई पूछे तो उसमें एक ये शेर भी है, क्योंकि हक फलसफे के बुनियादी मौजूआत में से एक मौजू है। बहरहाल ये हक जो है हर इंसान के जहन में कुछ ना कुछ तसव्वुर हक मौजूद है, उसी तरह अदल है, हर इंसान के जहन में कुछ ना कुछ तसव्वुर अदल मौजूद है। अब वो अदल के मानी ये समझे जाते हैं कि इंसाफ से काम लेना। इंसाफ के क्या मानी है, हालांकि लफ्ज़ इंसाफ भी एक मुस्तकिल लफ्ज़ है, एक मुस्तकिल मफहूम है, अदल एक मुस्तकिल लफ्ज़ है मुस्तकिल मफहूम है, क़िस्त एक मुस्तकिल लफ्ज़ है मुस्तकिल मफहूम है। होता यह है कभी कभी आलम माना में, और जब उसका रिश्ता कायम होता है आलम खारिजी में, कि मफाहीम मुख्तलिफ होते हैं एक मिसदाक में जमा हो जाते हैं। मफाहीम, अब ये नौजवानों बच्चों के लिए ये बहस ज़रा संगीन हो जाएगी, तो अगर महसूस करें कि कोई संगीनी है तो फिर मुतालआ करें, पढ़ें, लाइब्रेरियों में जाएं, असातिज़ा के सामने जानू अदब तय करें और कुछ क्लासिकी लिटरेचर कुछ मंतिक ज़रूर पढ़ें। इस मंतिक से बेबहरा दुनिया में जीने के लिए मंतिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मफाहीम होते हैं, मसलन
एक मफहूम है मसलन इंसान, लफ्ज इंसान एक मफहूम है, लफ्ज इंसान एक मफहूम है। बाहर ये जो लोग नजर आते हैं आपको, इसमें कोई भी इंसान नहीं है। इंसान तो एक मफहूम है, ये सब उस मफहूम के मसादीक हैं, ये मिसलाक हैं। अब वो कौन सच्चा मिसदाक है, कौन कितना मिसदाक है, कौन कैसा मिसदाक है, ये अलग एक बहस है। आदमी एक लफ्ज़ है, उसका एक मफहूम है। बशर एक लफ्ज़ है, उसका एक मफहूम है, हैं? बशर अलग, बेशीन रे बिल्कुल अलग एक लफ्ज़ है, उसका अलग मफहूम है। इंसान अलिफ नून सीन अलिफ नून, इसमें ना बे आया ना शीन आया ना रे आया, वो अलग लफ्ज़ है अलग मफहूम है। इंसान अलग लफ्ज़ है अलग मफहूम है। आदम अलग लफ्ज़ है बिल्कुल अलग मफहूम है। आदमी अलग लफ्ज़ है अलग मफहूम है, मगर आप किसी एक शख्स को देखकर कहते हैं हाँ ये इंसान भी है, ये आदमी भी है, ये बशर भी है। मालूम हुआ मफाहीम अलग अलग थे मगर एक शख्स पर आकर मुंतबिक हो गए। मफाहीम अलग अलग थे, तो ऐसे ही अब बशर का लफ्ज़ आ गया ज़बान पर, तो ये जुमला दोहरा दूँ अपना, हम आप बशर कहलाते हैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि इस हमारे नाम बशर का अगर पहला हर्फ हटा दिया जाए तो बस शर बच जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ऐ इंसान अगर अपनी आवरू बचानी हो तो बे को फरामोश ना करना। बाए बिस्मिल्लाह से अगर जुदा हो जाए तो इंसान बस शर रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। एक हम आहंग तौर पर बलंतर सलावात पढ़ते हैं, पर ये एक मिसाल आ गई थी ज़िमनन के बशर अलग एक लफ्ज़ है, इंसान अलग एक लफ्ज़ है, आदम अलग एक, आदमी अलग एक लफ्ज़ है, मगर हम सबको एक मिसदाक में देख लेते हैं। लेकिन मफाहीम अलग अलग हैं। इसी तरह इंसाफ एक अलग लफ्ज़ है और अदल एक अलग लफ्ज़ है और किस्त एक अलग लफ्ज़ है और मफहूम अलग है। अदल का मफहूम बहुत फितरी है और बदीही है, हर एक के जहन में है। अदल यानी इंसाफ से काम लेना, बराबर कर बराबरी से फैसला करना। अब अदालत की जो शर्तें हैं अखलाक में या कानून में, वो जाहिर है वो ये है कि इंसान गैर जानिबदार रहे, किसी तरफ मैलान ना हो, जानिबदाराना फैसला ना करे। लेकिन लफ्ज़ किस्त में हाक़ माना में यानी मानी के दिल में ये मौजूद है लफ्ज़, ये खारिजी शर्त नहीं है, ये उसके अंदर मौजूद है कि बातिल से जुल्म से जोर से जानिबदारी से मैलान दूसरी तरफ हो और फिर अदल करे इंसान। यानी असलन उसके फैसले में उसकी अदल में कहीं से भी झुकाव न हो बातिल की तरफ, मैलान न हो, जरा सा भी मैलान न हो किसी एक जानिब के जानिबदारी का दाग लग सके या शुभा पैदा हो सके। किस्त के एक मानी ये बयान किए गए हैं। तो जो गवाही देता है खुद परवरदिगार, जो गवाही देते हैं मलाइका, जो गवाही देते हैं
उलुल इल्म वो इस दर्जे पर हैं कि मामूली दर्जा आदल नहीं है उनका, वो दर्जा आदल है जहां एक जर्रा बराबर भी मैलान भी नहीं है कहीं बेइंसाफी की तरफ, मैलान भी नहीं है जानिबदारी की तरफ। बेइंसाफी हमेशा नहीं होती, मामूली सी जानिबदारी का भी। और एक और माना बयान किए गए हैं लफ्ज़ क़िस्त के। क़ुरान मजीद में अल्लाह सुबहानहु व तआला के औसाफ़ में ये भी है कि वो आदिल है और ये भी है कि वो मुहसिन है। और आदिल से बरतर एक मकाम है, मकाम एहसान। तो मकाम क़िस्त वो है, मकाम क़िस्त वो है कि जहां आदिल इस तरह किया जाए कि आदिल के तकाजे पूरे हो जाएं और एहसान के भी तकाजे पूरे हो जाएं। ये है मकाम क़िस्त। और इस फकीर का अंदाजा यह है कि इस मकाम पर क़िस्त के यही माना मुराद है कि आदिल के तकाजे भी पूरे हो जाएं और एहसान के भी तकाजे पूरे हो जाएं। एहसान वो एहसान नहीं उर्दू वाला जो आपके जहनों में है, वो एहसान जो कुरान मजीद में है, वो एहसान जो हक सुबहानहु व तआला का एक वस्फ है, और वो एहसान जिस वस्फ को इख्तियार करने के लिए हक सुबहानहु व तआला ने ताकीद फरमाई है कि तुम एहसान से काम लो। अल्लाह अमर फरमाता है कि तुम आदिल से काम लो और एहसान से काम लो। तो किस्त वो मकाम है, एक कलिमा है किस्त, लेकिन उसके अंदर मफहूम क्या है कि आदिल के भी तकाजे पूरे हो जाएं और एहसान के तकाजे भी पूरे हो जाएं। हम आम इंसानों को देखते हैं कि मुमकिन नहीं होता कि कोई इंसान आदिल के तकाजे पूरे कर सके, चे जाए कि वो आदिल के भी तकाजे पूरे करे और एहसान के भी तकाजे पूरे करे। इसीलिए बहुत तफसीली बहस और जस्तजू और तफक्कुर और तअम्मुक के बाद ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां पर जो उलुल इल्म क़ाइमम बिलक़िस्त है, इसमें कोई गैर मासूम मुराद हो ही नहीं सकता। जो भी इस मकाम पर होगा वो मासूम ही हो सकता है, गैर मासूम नहीं हो सकता। और ये भी गौर फरमाएं, अब ये तमसील समझ लें या तकरीब जहन के लिए, यानी जहन को करीब करने के लिए एक मजमून से। तकरीब के मानी सेलिब्रेशन सिर्फ नहीं होते हैं, तकरीब के मानी होते हैं करीब करना है। तो तकरीब जहन यानी जहन को किसी माना से, किसी मफहूम से, किसी हकीकत से करीब करना, तकरीब जहन। तकरीब जहन के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि शख्सियतें, बुलंद शख्सियतें या आम याद कह दूँ, जो जैसा होता है अपने साथ कम से कम ऐसे को खड़ा करता है जिससे कुछ मुनासिबत हो। यानी अगर किसी आप के चीफ जस्टिस को कहीं दावत दीजिए तो वो क्या करेगा अपने साथ? दूसरे जजेस साहिबान को, जस्टिस साहिबान को ले जाएगा। अगर वो बहुत इनकसारी और वजादारी और खाकसारी और तवाज़ों से काम लेगा तो हो सकता है वो अपने पुराने दोस्तों को याद रखे कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो क्या हुआ, लेकिन वो फलां शख्स जो है वो मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, मेरे शब व रोज़ में शरीक कार रहा करता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में है, तो क्या है उसे भी साथ ले चलें। लेकिन जो हजरात कुर्सी पर आते ही इंसानियत के जामे से बाहर हो जाते हैं,
वो उन पुराने दोस्तों को भी भूल जाते हैं, तो वो जाहिरी तौर पे बस ये देखते हैं कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, तो बस मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जस्टिस साहबान हैं बस वही जा सकते हैं और कोई नहीं मेरे साथ खड़ा हो सकता। तकरीब जहन के लिए अर्ज कर रहा हूँ। और ये बीमारी किसी में पैदा हो सकती है, ख़ास तौर से कैपिटलिज्म के की तहजीब में परवान चढ़ने वालों में ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ये जो कैपिटलिज्म है ना, ये बहुत मूजी मरज है, और ख़ास तौर से वेस्टर्न कैपिटलिज्म इससे ज़्यादा ख़तरनाक कैंसर आलम इंसानियत के लिए कोई दूसरा नहीं है। तो इसने जो कल्चर पैदा किया है, वो बिजनेसमैन तबका भी हो मसलन, तो अगर वो बुलंद सतह पर है, रिच क्लास है, बिल्कुल ऊपरी सतह है, तो ज़रा सा भी अपने नीचे जो है उसको अपने करीब बैठने नहीं देता, वहीं पता चल जाता है कि ये सरमायादार साहब हैं, इंसान नहीं हैं। ये सरमायादार हैं, ये इंसान नहीं हैं। इनकी अखलाकियात ही अलग होती है, इनकी अखलाकियात ही अलग होती है। इंसान बनना बहुत बड़ा मर्तबा है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आपके सामने और आज फिर अर्ज कर रहा हूँ, मौलाना रूम का नाम बहुत मशहूर है। आरिफ थे, आलिम थे, शायर थे, अदीब थे, सूफी थे, मुअल्लिम अखलाक थे। उनके बहुत से नज़रियात से आप और हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके बहुत से तालीमात से इत्तेफाक भी करना ही पड़ता है। तो उनसे ये शेर मंसूब है, उनका ये शेर है कि दी शेख बा चराव हमी गश्त गिर्द शहर कस दामोदद मलूलम व इंसानम आरजूस्त। कल रात मैंने देखा कि शेख तरीकत, तर्जुमा है इस इन दो मिसरों का, कल रात मैंने देखा कि शेख तरीकत चराग लेकर शहर के गलियों में कूचों में गर्दिश कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, जस्तजू कर रहे थे। क्या जस्तजू कर रहे थे? जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मैं दामोदद से यानी जानवरों से, मैं अपने अंदाज में तर्जमा करूं कि अब चौपायों और दोपायों से मलूल हो चुका हूं, आजिज आ गया हूं। इंसान मारजूस्त, मैं इस शहर में इंसान ढूंढ रहा हूं, इंसान मेरी आरजू है, इंसान की जस्तजू कर रहा हूं। तो ये हकीकत है अजीजान गिरामी। एहसास कमतरी में मुबतला ना हो जाइएगा, लेकिन अगर एहसास बरतरी किसी किस्म का है तो वो जरूर दूर कर दीजिएगा और रियाजत करें हम सब मिलकर कि उस मंजिलत पर आ जाएं कि इंसान कहलाएं, और वो तभी मुमकिन होगा जब अपने शर को मिटाएं और बाए बिस्मिल्लाह से वाबस्ता हो जाएं। बहरहाल बात ये हो रही थी कि उमूमन ये होता है कि जो जैसा होता है अपने साथ वैसा ही रखता है। ये मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल अदना और बिल्कुल आला यकजा हो जाएं, ये मुश्किल होता है। और फिर गवाही देने में और भी मसाइल हैं। जिस हकीकत की गवाही दी जा रही है, कम से कम उस हकीकत को जानने वाले तो सब हों। और फरमाने आप, मुमकिन है एक बहुत बड़ा सरमायादार इंसान है, एक गरीब इंसान है, किसी मुकदमे में दोनों को बुला लिया गया कि भाई सड़क पर हुआ था हादसा, एक मामूली फकीर भी वहां बैठा था और एक अमीर कबीर भी वहां से गुजर रहा था। अदालत ने दोनों को तलब कर लिया। क्यों तलब किया? कि अमीर कबीर और उस फकीर में कोई मुनासिबत है,
कोई मुनासिबत बज़ाहिर नहीं है, लेकिन मुनासिबत यह है, तकाजा यह है कि उस हादसे से दोनों वाकिफ हैं, उस हादसे से वाकिफ हैं, इसलिए बुलाया गया। उस वाके उस हादसे के गवाह हैं दोनों, इसलिए बुलाया गया। अब गवाही अगर माबूद बरहक की वहदानियत की देनी है तो खुदा तो खुद गवाह है अपनी जात पर कि वो माबूद बरहक है और एक है, लेकिन उसकी यकताई, उसकी वहदानियत और माबूदियत की गवाही, इस हकीकत को जो न जानेगा वो कैसे गवाही के मकाम पर आ सकता है। अब जो भी आए, चाहे वो मलाइका हो या उलुल इल्म, वो उस रुतबे के होंगे कि हकीकत वहदानियत से वाकिफ होंगे। अगर हकीकत वहदानियत से हुजूरी इल्म न रखते होंगे तो गवाही में कैसे खड़े हो सकते हैं। अब आप अंदाजा फरमा रहे हैं कि जब मैं तिलावत करता हूं तो मुश्किल हो जाती है, तर्जमे देखता हूं मुश्किल हो जाती है, तफसीरें देखता हूं मुश्किल हो जाती, हक अदा नहीं हुआ, ये बात क्या कही गई। शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ने गवाही दी कि वो एक है, और उसके बाद वल मलाइका, तो ये कौन है, वो उलुल इल्म ये कौन है जो इस अजमत के साथ गवाही दे रहे हैं। खुदा खुद अपनी वहदानियत की गवाही में जिन्हें पेश करे, और अगर उनमें से कोई ऐसी जात हो कि किसी दरबार से उसकी गवाही कबूल न की जाए, और हमारे यहां और अल्लाह जिन्हें गवाही में पेश करे अपनी वहदानियत। आम मुफसरीन क्या कहते हैं, अंबिया और औसिया, हाँ बेशक अंबिया और औसिया, अंबिया और औसिया, ठीक है, सब ने तकरीबन फिल जुमला या बिल जुमला सब ने लिखा कि उलुल इल्म से मुराद यहां पर अंबिया या औसिया। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लिए कोई उस सियासी उन्वान का कायल हो या ना हो जिसको लफ्ज़ खलीफा से ताबीर किया जाता है, आप खलीफा माने या ना माने, पहला माने या दूसरा माने या तीसरा माने या चौथा माने, अलग बहस, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अली वसी नबी थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो वसी नबी थे। तो अगर अंबिया और औसिया का उनवान कायम होगा तो उसमें से अली अलैहिस्सलाम को निकाला नहीं जा सकता। और जब अली अंबिया और औसिया के दायरे में दाखिल हैं और वो इस रुतबे पर हैं कि अल्लाह उनको अपनी वहदानियत और माबूदियत की गवाही में पेश करे, तो फिर उससे छोटे छोटे मुआमलात दुनिया में जितने भी होंगे, कहीं भी अली गवाही दे दे तो गवाही मोतबर होनी चाहिए। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद, देखिए अब बात बहसें होती हैं कि उन्हें खुल के मैं बयान भी नहीं कर पाता हूँ, वरना आपके जज्बात जो हैं वो बरंगे अख्ता हो जाते हैं, मैं बयान नहीं कर पाता, किस कदर जब्त करना पड़ता है बहुत सी हकीकतों को बयान करने। और अब जरा एक कदम आगे बढ़ाया जाए, मैंने अर्ज किया था कि मुफस्सिरीन का, उलमा का मतालिब को बयान करने का अपना अपना अंदाज होता है, तज्जिया और तहलील का अपना अपना अंदाज होता है। तो एक मुफस्सिर ने ये लिखा है कि ये तो एक गवाही है अल्लाह की अपनी वहदानियत पर, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से मामलात में अल्लाह ने गवाही दी है, और वो गवाही उन्होंने शुमार करके बताया अपने नुक्ते नज़र से, मुझे उससे इत्तेफाक हो या नहीं मैं नकल कर रहा हूँ सिर्फ रेफरेंस,
के सात चीजों पर अल्लाह ने गवाही दी है। उसमें से पहली चीज यह है कि अपनी वहदानियत पे गवाही दी, दूसरी चीज कुरान मजीद की हक्कानियत पे गवाही दी कि यह कुरान हक है, और तरह तरह से गवाही दी है। और तीसरी चीज जिस पे गवाही दी है वो नबुवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गवाही भी एक से जायद मकामात पर कुरान मजीद में अल्लाह ने दी है, सिर्फ एक मकाम पे नहीं। एक मकाम वो है कि जिसकी तरफ कल मैंने इशारा किया और परसों बहुत बहुत ही तेजी से इशारा किया था, कल जरा तफसील से उस आयत पे गुफ्तगू हुई कि जिसमें कहा गया है सूरह मुबारक राज की आखिरी आयत जिसमें कहा गया है कि व यकूल الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वो ये कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, तो आप कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान बस गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो जिसके पास इल्म है किताब है। गुफ्तगू हो गई और अशरे के दौरान चुके और बहुत से मतालिब अर्ज करने हैं, तो दूसरी आयात की तरफ भी तवज्जो की जाए। ये सवाल कि मन इंदहु इल्मुल किताब, वो कौन है कि जिसके पास इल्म किताब है। मैंने कल अक़वाल अर्ज़ किया आपके सामने कि कितने अख्तिलाफात हैं। कोई कहता है कि यहाँ खुद अल्लाह ही मुराद है, कोई कहता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद हैं, कोई कहता है कि तमीम दारी मुराद हैं, कोई कहता है कि सलमान फ़ारसी मुराद हैं, कोई कहता है अब्दुल्ला इब्ने सलाम मुराद हैं। ये किसी को भी मुराद ले मान लेने के लिए तैयार हैं। मगर अली इन्हें कबूल नहीं है। बहुत गौर करता रहा मैं, बहुत गौर करता रहा, बहुत गौर करता रहा, तो एक नहीं बहुत से असबाब समझ में आए। और एक बहुत सारा अदबी ताबीर में कह दूं, अदबी एतबार से अली के मानी हैं वो जिसकी बुलंदी दायमी हो। वो जिसकी बुलंदी दायमी हो यानी बुलंदी उससे जुदा ना हो। शायद यही सबब था कि ये दुनियाए दनी कभी हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए मरगूब ना हो सके। अली बुलंद थे, दुनिया पस्त। इस बुलंदी पस्ती का रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। दुनिया है पस्त, दुनिया है दनी पस्त, और अली है अली बुलंद, तो इन दोनों का रिश्ता तो हो नहीं सकता। और फिर इसी जब ये हकीकत वाज़े हो जाए तो जो जो नजर आए कि वो अली को कबूल करता है, अली से खुश होता है, अली की विलायत कबूल करता है, अली का इश्क उसके दिल में है, अली से उन्स है, उल्फत है, अकीदत है, मवद्दत है, जो जिस रुतबे पर है, जिसके अंदर जितना अली से क़ुर्ब पाइएगा उतना ही वो बुलंद महसूस होगा। और जो अली को कबूल नहीं कर सकेगा किसी जिहत से, मालूम हो जाएगा कि पस्ती की किस इंतहा में है। एक और बलंतर सलावत यहाँ जो जैली बहसें या मसाइल सामने आ जाते हैं उसकी तरफ बस अब आज इशारा कर दूँ। एक दूसरी आयत की तरफ आज इशारा करना चाहता था लेकिन वक्त गुजर गया, और वो भी बड़े बहुत इसी सूरह मुबारक आले इमरान में है
ये जो आयत पढ़ रहा हूँ रोज़ाना, ये 18वीं आयत है और वो आयत गालिबन 81वीं आयत है, बस अदद इधर से उधर हो गया है गालिबन। अगर मेरा हाफिज़ा सही काम कर रहा है तो वो 81वीं आयत है गालिबन। और वो ये है कि वइज अखदल्लाहु मीथाक़न नबियीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين। ये आयत भी वो है कि जो बेपनाह बेकरां आयत है और इसमें तो तह दर तह इतने मबाहिस हैं। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, और उस वक्त को याद रखो जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया था, और नबियों से दोहरा बल्कि तेहरा मीसाक लिया गया है। एक तो हम सब तमाम मखलूकात का जब मीसाक लिया गया तो उसमें भी वो शामिल थे। वइज अखज़ा, वो जो आयत सूरह मुबारक आराफ में है, मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व इला आखिरी, कि जब अल्लाह ने तमाम बनी आदम से मीसाक लिया, वो एक मकाम। और दूसरा मकाम ये नबियों से ख़ास मीसाक लिया गया, एक आम मीसाक उसमें भी अंबिया शामिल, एक ख़ास मीसाक उसमें भी अंबिया शामिल। ये ख़ास मीसाक, एक इससे भी बढ़कर दूसरी आयत मौजूद है तीसरी, जिसकी तरफ इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो कल इशारा करूँगा। वइज़ अख़ज़ा وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, और याद रखो उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया, और क्या मीसाक लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, मैं जब तुमको किताब और हिकमत दे दूँ और तुम्हें नबुवत पे फायज कर दूँ, और फिर उसके बाद तुम जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुम लेमा माकुम, तुम्हारे पास वो रसूल आए कि जो तुम्हारे पास पहले से पैगाम है उसकी तस्दीक करने वाला हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या फर्ज है, अल्लाहु अकबर, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, फिर तुम्हारे ऊपर फर्ज है। और ये तमाम फिक्रे ताकीद के साथ आए हैं, फिर बिताकीद तुम पर यह फर्ज है मेरी तरफ से कि उस पर ईमान लाओ, उस पर ईमान लाओ। यानी अब तुम्हारी नबुवत की हैसियत अपनी जगह बरकरार, नबी होते हुए उसके उम्मती बन जाओ। जरा मकाम तो देखिए अपने पैगंबर का। जब हम अपने पैगंबर हजरत खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फजाइल बयान करते हैं, वो भी कुरान मजीद से, तब भी बर्दाश्त नहीं करते लोग। मेरी समझ में नहीं आता, ना अली बर्दाश्त होते हैं ना नबी बर्दाश्त होते हैं, न जाने किस शजरे मलऊना के फल हैं। नबी के फजाइल बर्दाश्त नहीं, नबी के मराते मनाके फजाइल बर्दाश्त नहीं।
तमाम अंबिया को यह हुक्म दिया गया। अब देखिए मैं क्यों बहुत संभल संभल के गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि मफहूम मुंतकिल कर सकूँ कम से कम। इस मकाम पर अगर तफसीर का हक अदा किया जाए तो फलसफियाना मसाइल कितने खड़े होंगे। आप कहेंगे ये फलसफियाना मसाइल कहाँ से आ गए। आदम अलैहिस्सलाम गुजर गए, नबी थे, उनसे अहद लिया गया, जनाब इदरीस, शीस, इदरीस, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, दीगर तमाम अंबिया, उनके औसिया सब गुजर गए। जब गुजर गए गोया कि आपके नुक्ते नज़र से इस दारे तकलीफ में है नहीं अब वो। जब इस दारे तकलीफ में नहीं है तो फिर लतुमिनुन्ना बिही, तुम उन पर ईमान लाओ, इस हुक्म का इतलाक कैसे होगा और इस हुक्म का निफाज कैसे होगा और इस उस हुक्म पर अमल कैसे होगा। और सिर्फ ईमान लाओ नहीं, वला तंसुरुन्नहु, और उनकी नुसरत करो, उनकी मदद करो, यानी सिर्फ उम्मती न बनो, उनकी फौज में सिपाही के तौर पर काम करो। एक तो क्या मकाम है, क्या मकाम है पैगंबर का इस आयत की रोशनी में, और फिर आगे ये कि मुमकिन कैसे, अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया कैसे। तो अब अगर हकीमाना सतह पर, फलसफियाना सतह पर हल न कर सकें तो बस एक जिहत रह जाती है कि दरअसल मुराद ये है कि हर नबी से यह अहद लिया गया कि तुम अपनी उम्मत वालों को आने वाले नबी का इरफान अता कर देना, बता देना कि मेरे बाद फला नबी आएंगे और तुम पर यह फ़र्ज़ है कि उनकी इताअत करो, उन पर ईमान लाओ और उनकी नुसरत करो। ये दुरुस्त है मफहूम, अपनी जगह ये भी दुरुस्त है, लेकिन ये खारिजी दलाइल से साबित होगा। यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो बराह रास अल्लाह का खिताब है नबियों से। नबियों से खिताब है बराह रास कि तुम ईमान लाओगे, लतुमिनुन्ना बिही, बिताकीद, ताकीद के साथ कहा जा रहा है कि तुम जरूर भी जरूर ईमान लाओगे उन पर, वला तंसुरुन्नहु, और तुम नुसरत करोगे उनकी। और फिर ये बात यूं ही नहीं कही गई, आगे कहा गया कि क्या तुमने इकरार कर लिया। सिर्फ यही नहीं कि तुमने इकरार कर लिया, तुमने इस इकरार पर मेरा अहद ले लिया। ताकीद दर ताकीद। और जब उन्होंने कहा कालू अकररना, हमने इकरार कर लिया, तो फिर कहा गया काला फशहदू, फिर गवाही दो तुम लोग, वाना माकुम मिन अश्शाहिदीन, और तुम्हारे साथ मैं भी गवाही देने वालों में हूं। ये ऐसा मसला नहीं है जिसे सरसरी तौर पे गुजर जाए, पूरा फलसफे ज़मानो मकान तो वाला होगा। मानना पड़ेगा कि बस यही एक ज़मीन है या और भी ज़मीनें हैं, मानना पड़ेगा यही एक हल्का है जमा है या और भी जमा के हल्के हैं, मानना पड़ेगा कि इनमें तदाखुल भी मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, यानी मुमकिन है कि कोई कहीं किसी और हल्का जमा में हो और वो इस हल्का जमा में आए और जाए। बाइज़्निल खुदा जब चाहे आए और जब चाहे जाए, यानी टाइम जोन जैसे आपने यूं मुकर्रर कर लिए हैं वाकई हल्के और दायरे हैं। एक जमान का हल्का है, उस पर दहर का हल्का है, उस पर जरमत का हल्का है। अगर ऐसा नहीं तस्लीम करेंगे तो आयत हल नहीं होगी। और अगर ये तस्लीम यूं न कर रहे हों तो फिर इस आयत की रोशनी में उन रिवायात मेराज की तरफ भी गौर कर लीजिए।
कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सफरे मेराज पर गए हैं तो मक्के से बुलंद हुए और मस्जिद अक्सा में पहुंचे और मस्जिद अक्सा में देखा तो तमाम अंबिया की सफ़ें मौजूद हैं। और ये याद रखिए, तहदी के साथ कह रहा हूं, ये ख्वाब नहीं था पैगंबर का। सबसे बड़ी दलील ये, अवलन तो हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो मेराज जिस्मानी का मुनकिर न हो, जो मेराज जिस्मानी का मुनकिर हो, मुकिर न हो, इकरार न करता हो, वो काफिर है। क्यों? अब इसकी जाहिरी तौजीह हम ये कर सकते हैं कि वो तकजीब कुरान लाजिम आती है। सबसे बड़ी दलील क्या है? अल्लाह ने जिसको जब ख्वाब दिखाया तो कहा कि मैंने ख्वाब दिखाया। जनाब इब्राहिम को ख्वाब दिखाया तो कहा कि ख्वाब दिखाया। पैगंबर के लिए मेराज के बाब में ये नहीं कहा कि मैंने ख्वाब दिखाया। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, क्या कहना उस परवरदिगार का जो अपने बंदे को ले गया। वाज़े है, बहुत साफ मसला है। परवरदिगार ने जिसे ख्वाब दिखाया कहा कि मैंने ख्वाब दिखाया। खुद पैगंबर को जहां ख्वाब दिखाया कहा मैंने ख्वाब दिखाया। लेकिन यहां ख्वाब नहीं दिखाया और फेल का इंतजाब पैगंबर की तरफ नहीं किया। ये नहीं है आयत में कि पैगंबर कह रहे हो कि मैं गया, लेकर गया, खुदा कह रहा है मैं ले गया। किसको झुठलाने की जुरात कर रहे हो? चूंकि आपकी अकल इस जमानो मकान के हिसार में मुनहसर है, कांट पहले ही इकरार कर चुके हैं कि मावराई हकीकतें हमारी जमीनी अकलों के अहाते से बाहर हैं। और कांट जैसे न जाने कितने शुरू से आखिर तक, तो इस जमानो मकान में जो महदूद और महसूर अकल है और जो हमारे बशरी फलसफे ने, हिकमत तबीयात ने, हमारी फिजिकल साइंस ने, हमारी फिजिक्स ने जो कुछ बताया है, उसकी रोशनी में अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप इनकार कर देंगे? तो फिर ईमान किसका नाम है? और ईमान बिलगैब किसका नाम है? ईमान शर्त है ना। या आप कह देंगे नहीं ख्वाब था। अब ये नहीं मैं जिक्र करने की हिम्मत कर पा रहा हूं कि किस किस ने कहा है कि ख्वाब था। इसमें कुछ पर्दादारों के नाम भी आते हैं और कुछ तख्त नशीनों के नाम आते हैं, कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं,
और कुछ तख्त नशीनों के नाम आते हैं। ये और बात है कि जो तख्त नशीन थे वो तख्त के मुस्तहिक न थे, जो पर्दा नशीन थे उन्होंने खुद पर्दा दरी कर डाली। लेकिन बहरहाल नाम आते हैं कि भाई वो ख्वाब था, ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा, असरा में जो जमीर छुपी हुई है किसकी तरफ राजे होती है? अल्लज़ी से कौन मुराद है? सुबहानल्लज़ी, अल्लज़ी कौन है यहां पर? उसके बाद फ़ेल है असरा, असरा में ज़मीर है किसकी तरफ राजे होती है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह कह रहा है क्या कहना उस ज़ात का जो ज़ात ले गई। जाने वाले के हसद और बुग्ज़ में ले जाने वाले की अजमत का इनकार। तवज्जो फरमाओ, क्या क्या मकामात आते हैं। बहरहाल हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए, यहीं मेराज में तशरीफ ले गए, यहीं पर जो राइज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है वो चुरमुर होके रह जाता है। कैसे रातों रात, पूरी रात भी नहीं, रात के एक मुख्तसर से हिस्से में गए भी आए भी, बिस्तर गर्म रहा, जंजीरें दर हिलती रही, और उधर मालूम है इतना तवील सफर तय किया कि पूरे पांच वक्त की नमाजें पढ़ी। हाँ, और मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो ये मस्जिद अक्सा कहाँ है? तमाम अंबिया वहां मौजूद थे, आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम सब मौजूद, पैगंबर खातमुन नबीन है, अव्वलुन नबीन है, सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन है, मगर इंसान कामिल हैं, खुद नहीं बढ़ गए आगे। कि मैं इमामत करूंगा, ऐसे ही मकामात पर प्रोटोकॉल अफसर की जरूरत होती है। तो वो हक सुबहानहु व तआला ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने हुजूर से कहा इमामत आप फरमाएंगे, यानी पीछे आदम है, इब्राहिम है, मूसा है, ईसा है, सब हैं, मगर इमामत आप फरमाएंगे। और हुजूर ने इमामत फरमाई, सारे नबियों ने उनके पीछे उम्मती बन के नमाज पढ़ी। अब यहां ठहर के खुद इसको कैसे हम हल करें? कुरान को झुठला नहीं सकते, कुरान के मजमून से मुताबिक जो हदीसें हैं उनको भी नहीं झुठला सकते। अगर कोई ऐसी हदीस है कि जो मुताबिक मजमून कुरान नहीं है उसे रद्द कर दीजिए, बिल्कुल रद्द कर दीजिए, लेकिन जो हदीसें जो रिवायतें मजमून कुरान से हम आहंग हैं या तजाद का रिश्ता नहीं है उन्हें हम रद्द नहीं कर सकते। अब यहां हल कैसे करें? तो यहीं पर मजबूरी होती है कि फलसफा भी पढ़ें, इरफान भी पढ़ें, हिकमत भी पढ़ें, तबीयात भी पढ़ें और माफोक तबीयात को भी पढ़ें। आम इस्तेलाह माबाद तबीयात, मैं कहता हूं माफोक तबीयात।
माँ बाद तबीयात कोई चीज़ नहीं होती, माँ फोकत तबीयात हकीकतें होती हैं। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। बीच बीच में कुछ अर्ज कर देता हूँ। अब माँ बादत तबीयात माँ फोकत तबीयात ये मैंने कह दिया ना, अब इसकी तशरीह खुद थोड़ी करूँगा, आप जस्तजू कीजिएगा, समझ में ना आए तो फिर दरियाफ़ फरमा लीजिएगा, अर्ज कर दूंगा। तो यहीं पर ज़रूरी होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, नेचर ऑफ टाइम, हकीकतें क्या हैं, यहीं पर ट्रिलॉजी ऑफ टाइम, तसलीस ज़मान के नज़रिए तक पहुँचते हैं कि कहीं सब मौजूद हैं और वो जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं। अगर मुझसे बार बार पूछिए कि हजरत कायम आले मोहम्मद अलैहि सलातो वस्सलाम कहाँ हैं, किस पर्दे गैब में हैं, किस जगह हैं, तो मैं यही अर्ज करूंगा कि जहां वो तमाम अंबिया हैं वहां ये भी मौजूद हैं। फिर आएंगे कैसे? अरे जैसे पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए सब नबी आ गए, ऐसे ही ये भी जहूर फरमाएंगे जब अल्लाह चाहेगा, और जब अल्लाह चाहेगा तो जहूर फरमाएंगे, और फिर वो मंजर हम अपनी आंखों से देखेंगे कि जैसे मसीह ने मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ी थी वैसे ही ईसा जाने मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़े। इन हकीकतों में कहीं शक करने की गुंजाइश नहीं है, शुबहे की गुंजाइश नहीं है। शैतानी या नफसानी या जाहिलाना वसवसों को दिल व दिमाग से दूर कर दिया कीजिए। ये वो मकामात हैं जो कुरान की रोशनी में, फुरकान की रोशनी में और हकीकी विजदान की रोशनी में इसे दर्क करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने तमाम नबियों से अहद लिया कि तुम इन पर ईमान लाओगे, और बहुत गुफ्तगू है यहाँ पे, वाकई दिल घुट घुट जाता है कि जो मतालिब अर्ज करने चाहिए वहाँ यहाँ पर वो अर्ज करने के लिए वक्त नहीं मिलता, और फिर उसको एक मतलब को कहने के लिए जो ज़रूरी तमहीदें हैं वो भी अर्ज करना पड़ती हैं। तमाम नबियों को ईमान लाने पे ताकीद, फिर नुसरत पर ताकीद, तो क्या, और फिर अहद और संगीन अहद, इकरार और अहद। अकरर तुम, तुमने इकरार कर लिया और मेरा अहद ले लिया, और फिर उन्होंने कहा कि अकरर ना, तो फिर कहा फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, गवाही दो मैं तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। अब ये कह देना बिल्कुल आखिर में कि मैं तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ, तो अब कोई उलुल आज़म हो या उलुल आज़म ना हो, वैसे कोई तर्क औला हो जाए तो हो जाए, मगर इस मसले में नहीं हो सकता। बस अब सरबस्ता लफ्ज़ों में इतना ही कह सकता हूँ, और उसके बाद भी जो आयत है वो क़यामत की आयत है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, जो उसके बाद फ़ौलाएका हुमुल फासिकून, अल्लाहु अकबर, जो इसके बाद भी रूगर्दानी करे वो दीन से खारिज हो जाने वालों में से। ज़ाहिर नऊज़ु बिल्लाह अम्बिया पर तो इसका इतलाक़ हो ही नहीं सकता, इसका इतलाक़ यकीनन उन उम्मतियों पर है कि जिनको पैगंबर कोई पैगाम दें और वो पैगंबर के पैगाम को ना लें। कोई भी पैगाम, बस यहां पर ठहर रहा हूं, वक्त का तकाजा है। पैगंबर का मर्तबा समझिए आप, आपके पैगंबर का मर्तबा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का मर्तबा,
रिसालत माफ का मरतबा, साहिब मेराज का मरतबा, समझे आप। अब अगर सिर्फ फजाइल व मनाकिब व शमाइल पैगंबर पे गुफ्तगु हो तो पैगंबर के मरातब, उनके शमाइल, लफ्ज़ों में बयान करूं तो मुमकिन नहीं है, मगर आपके लिए एक लफ्ज़ कह दूं। अल्लाह ने अपने पैगंबर की कई शबीहें बनाई थी। मेरी नज़र से एक रिवायत गुजरी कि एक शख्स मदीने में आया, यहूदी था, पैगंबर का विसाल हो चुका था, मस्जिद में आया और उसने पूछा, अय्युकुम मुहम्मद, तुम में से मुहम्मद कौन है। असहाब ये जुमला सुन के रोने लगे। उसने कहा कि तुम्हारा दिल दुखा दिया हमने, क्या बात है, हम तो तुम्हारे पैगंबर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ तुमने हमारे गम को ताज़ा कर दिया, इसलिए कि पैगंबर अब हम में से नहीं है, गुजर चुके हैं, उनका विसाल हो गया है। बहुत मुतासिर हुआ, कहा कोई है तुम्हारे दरमियान जो तुम्हारे पैगंबर की शबी हो, ताकि हमारी किताबों में, हमारे सहीफ़ों में जो पैगंबर का तस्करा है, हम उसे मिला लें और फिर ईमान ले आएं। तो मजबूर हुए लोग कि उनको ले के दरवाज़े अली इब्न अबी तालिब कराए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन को और इमाम हुसैन दोनों को सर से पैर तक सजाया, सर पे अमामा रखा, कबा पहनाई, रिदा पहनाई, सामने लाके खड़ा कर दिया, कहा ये दोनों शबी है मुस्तफ़ा। उसने सरापा इमाम हसन को देखा, सरापा इमाम हुसैन को देखा और उसके बाद मुशर्रफ व इस्लाम हुआ, कबूल किया उसने इस्लाम। मैंने तेज़ी से, चूँकि वक्त गुजर चुका है, तेज़ी से ये रिवायत आपके सामने अर्ज कर दी। उसके बाद दूसरी रिवायत मेरी नज़र से गुजरी और मेरे उस्ताद मुकर्रम और मुअज़्ज़म, मेरे बिरादर मुअज़्ज़म के उस्ताद जनाब आयतुल्लाह अल्लामे सैयद मोहम्मद मेहदी अल ख़तीब अस्सुवैज ने अपनी किताब में इसको लिखा है। कहा कि उसके बाद ये वाक़िया हुआ कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की भी शहादत हो चुकी थी, इमाम हसन की भी शहादत हो चुकी थी और सिर्फ इमाम हुसैन मदीने में थे। उस ज़माने में भी ऐसे ही एक शख्स आया और उसने पूछा कि मुसलमानों के पैगंबर हैं मौजूद। कहा गया, नहीं, वो वफात पा चुके। कहा फिर मैं कैसे समझूं कि पैगंबर जिनको तुम मानते हो पैगंबर, वो हकीकी पैगंबर थे। मैं चाहता हूं कोई ऐसी तस्वीर हो कि जिससे मैं उन औसाफ को, उन शमाइल को मिला लूं, तत्बीक कर लूं कि जो मैं हमारी किताबों में। लोग उसको लेकर खाने हुसैन इबन अली पे आ, आका हुसैन ने जब उसका सवाल दरियाफ्त किया, इस्तफसार मालूम किया और उसने बयान किया कि हम तो नबी की ज्यारत करना चाहते हैं, आपने अपने बेटे अली अकबर के सर पे रसूल का अमामा रखा, रसूल की कबा पहनाई, रसूल की रिदा पहनाई, जुल्फे आरास्ता की और लेकर उसके सामने आ गए। उसने सरापाए हजरत अली अकबर को देखा, किताब में शमाइल पैगंबर को पढ़ा, एक एक चीज मिलाता चला गया और उसके बाद का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो मुशर्रफ व इस्लाम हुआ, लेकिन उसने जब सर उठाया तो देखा आका हुसैन का रूह मुबारक आंसुओं से तर है, रीश मुबारक से आंसू कतरा कतरा टपक रहा है, आंखों से आंसू उबल रहा है। उसने कहा, मैंने आपको बहुत जहमत दे दी, बहुत तकलीफ पहुंचा दी, मैं तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इतना अजीम और अजीज बेटा अल्लाह ने आपको अता किया है कि जो शबीह पैगंबर है। इमाम ने फरमाया कि ये बता, अगर ऐसा कोई बेटा तेरे पास होता तो तू उसकी हिफाजत किस तरह करता। कहा, मैं हिफाजत किस तरह करता, मैं इस तरह सात पर्दों में महफूज रखता कि किसी की नजर ना पड़ने पाए, किसी की नजर बद ना खा जाए,
इमाम गिरिया फरमाते रहे, का आपको वास्ता है आपके जद का, आपको वास्ता है खुदा का, ये बताइए तो सही। इस कदर ये लिखा है कि करबला में चंद ऐसे शहीद थे जिनको शहीद करने के बाद दुश्मनों ने सिर्फ सर कलम नहीं किया, उनके जिस्म मुबारक को टुकड़े टुकड़े किया। उन शहादा में जिनके जिस्म को दुश्मनों ने खुद टुकड़े टुकड़े किया है, उनमें एक शबी है पैगंबर अली अकबर। अजरकुम अला अल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह खैर अल जज़ा। अब हम लोग मकाम मसाइब में शबीहें लेकर आ रहे हैं। मकाम मसाइब में कुछ जज्बात निगारी करते हैं ना शुआरा भी खुताबा भी। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि 11 मुहर्रम को जब सैयद सज्जाद, पूरी तारीख लिखी कहाँ गई? मुअर्रखीन अहले बैत के वफादार कब थे जो जुजियात लिखते? जुजियात लिखने वाले मुअर्रखीन कौन थे, कहाँ थे, जो हमसे कहा जाता है तुम पढ़ते हो कहाँ से पढ़ते हो? हमारे घर का हादसा है, हमें मालूम है क्या क्या हुआ, और वाकई की जबान बताती है कि क्या क्या हुआ। 11 मुहर्रम को जब सैयद सज्जाद चले हैं, बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ था, देखकर सैयद सज्जाद इमाम थे उस वक्त, मगर क्या तबीयत मुनकलिब हो गई। मैं पूछता हूं, अकबर का टुकड़े टुकड़े लाशा देखकर, अरे लैला और ज़ैनब की कैफियत क्या हुई होगी? इसीलिए जबानों पर था वाह मुहम्मदा वाह अलिया वाह हसना वाह हुसैन।